शंखनाद भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर बैठने ना देते। मुखिया साहब की ऐसी धांक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफ़ी थी। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती, गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से ही फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत ना पड़ी। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे, डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे, बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल, मिर्जई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिनसे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था, कानून की दफाएं उसकी जबान पर रहती थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझड़े लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे, बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहाँ घास ना जमती हो वहाँ केसर जमा दें। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उदंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोर से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति ना रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हाँ, भांजे अभी तक उसकी ओर से निराश ना हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस्य वह राज रोग है जिसका रोग कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिराल ही दिन जाता होगा कि बांके गुमान को भांजों के कटु वाक्य ना सुनने पड़ते हों। यह विशाल शर कभी कभी उसे कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक ना रहता। भोर होते ही थकना के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ उसने हाथ मुँह धोया, वंशी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भांजे फूलों की वर्षा क्या करती, बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल कर जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिससे तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे, मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। भाई बात भी ना पूछोगे, भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के वाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे। खेती में जी ना लगे, काष्टी बिली में भर्ती करा दूं। बांका गुमनाम खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी ना पसीसता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर को जितने काम होते वे उसी के सिर पर थोपे जाते। उपले पातती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर भी जेठानी और सीधे मुंह बात ना करती, वाक्य बाणों से छेद करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बाके गुमान कुछ नर्म हुए,
बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया, फूले न समाए, कई सौ रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे, तन जेब के चुन्नाटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं, चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झपटरी, जमना तटरी, खड़ो नट खतरी, इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बांके गुमान ने खूब दिल खोल कर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ ना बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भांजों ने घोर आंदोलन मचाया, अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसें, गाढ़े का एक कुर्ता भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी दुकान इस निकट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर पर पैर रखेगा। किंतु बाके गुमान के तेवर जरा भी मैले ना हुए। वही मुंह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानून दाबिताने उनके ये ठाट बाट देखकर जलता, मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी ना मिले, यह अपाही सारे दिन चारपाई तोड़े और यूं बन ठन कर निकले, ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने प्यास में भी ना मिला होगा। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही ना गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानून दाबितान की पत्नी गुमनाम के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया, यह देवेशा अग्नि है, घर को जलाकर बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। विदान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया, अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपने चतुर सहागामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा, सहते सहते हमारा कलेजा पक गया है। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी भाइयों को उतना क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है, उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोला में झुलाओ। हम में ना इतना बूता है ना इतना कलेजा, हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए, बांट बखड़ा कर दीजिए। बला से 4 आदमी हंसेंगे, अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवें। नीतिज्ञ वितान पर इस प्रबल वक्तरता का जो असर हुआ वह उनके विकसित और पुमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस ना था कि इस प्रस्ताव का इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनकुला या गैर मनकुला आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है, इसकी नज़ीरें मौजूद है। जमींदार को सकीतुल मिल्कियत करने का कोई इस्तहकाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता, दुविधा में पड़ा हुआ था। तभी उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढांकने को वस्त्र तक ना मिले और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए,
ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निवास ना होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो क्या कहते हो, कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान ने धैर्य की कमी ना थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसकी नित्य कर्म था, किंतु भाइयों की इस जन मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मंजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बधा है वह पीसे, मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्या अपना सिर ओखली में दे दूं? मैं तो किसी के काम करने को नहीं कहता। मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आध सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश के सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना पीना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल पर पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उसके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गुलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल ना था जिसे बीमारियों का घर ना समझते थे। लेकिन गुरदीन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान वर्ध्य हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हों तो चौक पड़ते। गुरदीन उस था गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही सांख्य और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचैला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम ना था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियाँ की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहीं गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करती हो, बार बार पैसे ना रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों पर दोनों बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसों की कोई चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे। कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं तो मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है। उन्हीं के बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठनगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, चाहे नौ नगद सही तेरा उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों ना हो, किंतु मिष्टाभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन अपना खोचा उतार दिया, मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठठ लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानून दाबितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई।
गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की, पैसे झोली में रखे, ढेले की मिठाई दी और ढेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों के लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन को उदारता से लाभ उठाया हो तो वह बाके गुमान का लड़का धान था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह है कि उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और अपनी माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्या दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाइयाँ ले दूँगी, मैं इससे अच्छी मिठाइयाँ बाजार से मंगवा दूँगी, तुम कितनी मिठाइयाँ खाओगी। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, यह मनहूस मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर यही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चे ढेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा ना पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप ही ना होता था। जब कुछ वर्ष ना चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतर कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लिया। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, उसे बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे दो तीन थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़ कर बोली, चुप रह अभागे, तेरा ही मुँह मिठाई खाने का है, अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने वाला चला है। बांका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुप गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था, धुनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी चाहे वह कैसा ही क्रूर और क्रोध क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो, तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुझको जो दंड चाहो दो, परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानो मेरे कान में शंख नाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो।